पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवानों को गोरखपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। गोरखपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्यों ने शनिवार को भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन करते हुए बेतियाहता स्थित शहीद भगत सिंह चौराहे पर आतंकवाद का पुतला फूंका। आक्रोशित पदाधिकारियों ने कहा कि देश को अब पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं सर्जरी की जरूरत है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए गोरखपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष आर के तिवारी और मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इमरान खान मुर्दाबाद, धर्मेंद्र प्रताप सिंह। देश के प्रधानमंत्री को ये भारत देश के नागरिक 10 दिन की मोहलत देते हैं, अब हमें सर्जिकल स्ट्राइक नहीं एक सर्जरी की जरूरत है, काट करके पाकिस्तान को खत्म करने की जरूरत है। और जिस तरीके से हम अपने छोटे छोटे कामों को लेकर सड़क पर उतरते हैं, अगर 10 दिनों में हमें कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ा, कहीं सीधा हमला होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा, तो हम रोड जाम करेंगे, जेल तक जाने के लिए तैयार है। और हम मांग करते हैं इस समय देश में हिंदू और मुसलमानों को एक होने की जरूरत है। अगर हमारे शहीदों को कहीं लगता है कि उस हरे झंडे से हमको कोई दिक्कत है, तो मैं आग्रह करता हूं अपने मुसलमान भाइयों से कि जब तक पाकिस्तान पर खुला हमला नहीं होता है, तब तक वो अपने घरों से हरे झंडे को उतार लें। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से हैं, गोरखपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष हैं, मेरा नाम आर के तिवारी है। जो परसों हमारे वीर जवानों की हत्या हुई है, जिसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं, ये हमारे देश का सबसे बड़ा नुकसान है। और इस तरह से जो कृत्य हुआ है, इसके लिए हम घोर विरोध करते हैं। इसके लिए हम बिल्कुल जो है एकदम, हम पूरे हिंदुस्तान के लोग, पूरे गोरखपुर के लोग, पूरा हमारा ट्रांसपोर्ट समुदाय इसके खिलाफ है। हम इनकी भर्त्सना करते हैं, हम अपने वीर जवानों को जो है इसकी श्रद्धांजलि देते हैं। जो हुआ है बहुत गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए। हम मोदी जी के साथ हैं, हम मोदी जी से यही कहना चाहेंगे कि वो अपने जो है पूरी तरह से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो। हम पूरे भारतवासी, पूरे ट्रांसपोर्टर, पूरे नागरिक उनके साथ।